नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लुक केयर हेयर एंड स्किन सेंटर। दोस्तों आज मैं आपको नॉन सर्जिकल हेयर पैचेस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि समय पर ना ध्यान देने से हमारे जो कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग ध्यान दे ही नहीं पाते हैं कि हमारे हेयर्स के ऊपर भी कुछ हम ध्यान दें। जब तक ध्यान देने का टाइम आता है तब तक हमारे सारे बाल झड़ चुके होते हैं और हमें ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, पार्टी में, बहुत सी जगह पे एम्बेरस फील होता है। हम लोगों के बीच में नहीं जा पाते, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो हेयर पैचेस के बारे में बताऊँगा उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कुछ लोगों के, कुछ हमारे जो भाई हैं जिनको हेयर फॉल होने की वजह से गंजापन दिखने लग जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका उपाय, जिसका सॉल्यूशन जो कि एक हेयर पैच फिक्सिंग के रूप में मार्केट में बहुत टाइम से चल रहा है, जिसको आप यूज़ करके अपने बॉल्डनेस को, अपने गंजेपन को आप छुपा सकते हैं और किसी को भी पता नहीं लगता कि आपने कोई हेयर पैच लगाया हुआ है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आजकल हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट हैं, बट ट्रांसप्लांट को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ट्रांसप्लांट अफोर्ड करते हैं, बट कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सब हेयर पैचेस यूज कर सकते हैं। तो हेयर पैचेस बहुत सिंपल सॉल्यूशन है बॉल्डनेस के लिए, जिसे आप यूज़ करके अपने बॉल्डनेस को, अपने गंजेपन को छुपा सकते हैं। वैसे तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपके जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन होता है एक छोटा सा जिसके थ्रू वो आपके स्कैल्प पे, आपके बॉल्डनेस एरिया पे बालों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जाकर के कॉस्टली बैठता है और फिर भी हम लोग उन चीज़ों को नहीं यूज़ कर पाते। तो मैं आपको आज हेयर पैचेस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है ये। हेयर पैच होता है जिसमें एक टेप और ग्लू के सहारे से आपके स्कैल्प पर पेस्ट कर दिया जाता है। इस एरिया के अंदर ग्लू और पेस्ट लगा करके आपके जो बॉल्डनेस एरिया है वहाँ पर उसको फिक्स कर दिया जाता है। आपका साइज, आपका हेयर टेक्सचर उसके हिसाब से सेट करके, एक अच्छा सा हेयर स्टाइल दे करके, कटिंग करके, आपके बालों का कलर मैच करके और आपके बॉल्डनेस को दूर कर दिया जाता है। और जिसकी कॉस्टिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली सी है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। अराउंड नॉर्मल पैचेस जो कि 6,000-7,000 से ओरिजिनल ह्यूमन हेयर के साथ आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी मैं आपको पैचेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस किस क्वालिटी के पैचेस होते हैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बॉल्डनेस और गंजेपन को छुपाने के लिए। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे मैं ये गंजापन जो बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी कहीं से जाकर शर्मिंदा ना हो, कोई आपको इस टाइप से ना बोल पाए कि यार वो तो गंजा है, उसके सर पे बाल नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता। मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे दिखें, अच्छे लगें अपने फ्रेंड सर्कल में,
पार्टीज में, ऑफिस में आपको एम्बेरस फील करने का मौका ना मिले, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा आपके अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे यूज़ किया जाता है हेयर पैच को, कितने कितने मेथड में यूज़ कर सकते हैं और किस किस क्वालिटी का, और इसके प्राइस क्या क्या हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों की अगर प्रॉब्लम है कोई भी, किसी भी टाइप की हेयर फॉल के रिगार्डिंग, या आपको जानकारी चाहते हैं हेयर पैच के लिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक या मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी और आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू, बाय।